बल्लभगढ़ अनाज मंडी में आज एक बार फिर अपराधियों का दुस्साहस बढ़ता नजर आ रहा है, जहां करीब आधा दर्जन लड़कों ने अज्ञात कारणों के चलते सब्जी बेचने वाले करीब 16 वर्षीय युवक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। मौके पर तैनात सिपाही नरेंद्र ने एक हमलावर को पकड़कर थाने पहुंचा दिया और घायल को उपचार के लिए बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल भेज दिया। बता दें, नरेंद्र नाम के सिपाही ने जाबाजी दिखाते हुए हमलावरों में से एक को मौके पर ही धर दबोचा, उसे पूछताछ के लिए थाना आदर्श नगर पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं घायल युवक सोहेल को प्राथमिक उपचार डॉक्टरी जांच के लिए बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। अभी तक इस वारदात के पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सोहेल क्या काम करते हो? सब्जी का काम करता है। किस बात को पर लड़ाई हुई है? पता नहीं, मैं तो अपनी सौदा बिक रहा और आन के है ना खामे खामे मारने लग गया अचानक। क्या कोई आपकी पुरानी गली से? किस बात को? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आते ही आपको मारने? आते ही आप मुझको मारने लग गए। कम से कम 3-4 जने। क्या नाम आपका? मेरा सिपाही नरेंद्र। नरेंद्र जी, क्या मामला था मंडी में? मार धाड़ को पीटा क्या? एक दुकान में छोटा बच्चा सब्जी बेच रहा था, 3-4 बंदे आए, उस बंदे को लठोए मारे थे। तो क्या वजह रही है इस प्रकार बीच मंडी में इस प्रकार लाठी डंडे से हमला किया है? क्या था ये? तो अभी हम उस बंदे को थाने में ले जाए, पता चलेगा। तो क्या नाम है सर आपका? होशियार लांबा भैया। सर जी, क्या मामला था मंडी में मारधाड़ करिए? तो ये लड़का मेरी दुकान पे सब्जी बेच रहा था, 4-5 लड़के आए जिनके हाथों में छोटे डंडे ले रखे थे। आते ही उस लड़के को बाहर खींचा, खींचते के साथ उस पर हमला कर दिया। उसके सिर में पैरों में बहुत ज़्यादा चोट मारी। इतने ही भाई साहब आए नरेंद्र जी, ये उस लड़के के पीछे पीछे तक भागे। उनमें से एक लड़का भाई ने पकड़ लिया है, अब पुलिस के हवाले दे दिया है। अपने गाड़ी में बैठा के PCR अब उनको थाने ले गई है। उस लड़के को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। ये अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा उनकी रंजिश क्या है, पुरानी रंजिश। 13-14 साल का बच्चा है, इसकी क्या रंजिश होगी? और वो उन्होंने बयान पे हथियार भी थे, तेज धार, और उसके साथ में उन पर लठ भी थे। अभी ये अभी पता नहीं है किस बात पे हमला हुआ है।